बंद करो बाहर टॉयलेट करने की प्रथा, आज से टॉयलेट एक प्रेम कथा। हाँ, टॉयलेट एक प्रेम कथा, ओके। क्योंकि ये जो कहानी है, एक गांव की कहानी है, और जैसे कि आज सरकार का भी नारा है, हिंदुस्तान की जरूरत है, वर्तमान की जरूरत है कि गांव गांव में उस जरूरत के सामान और जरूरत की चीज पहुंचे जिसकी जरूरत गांव को है, जिससे हमारा गांव स्वस्थ हो, बीमारियां ना फैले, भविष्य अच्छा हो। तो वो सारे प्रॉब्लम्स को इस फिल्म में दिखाया गया। एक आदर्श गांव बनाने की कहानी है, इंग्लिश की टाइटल फिश। और आदर्श गांव बनाने के लिए पूरी जर्नी चलती है, उसमें मैं भी एक कैरेक्टर हूँ, और मुझे हमारे मित्र शैलेंद्र चंद्र सिंह राजपूत साहब, क्योंकि फिल्म के जो बैकग्राउंड है वो भी मारवाड़ी है। जी बिल्कुल, मारवाड़ी लोग यहाँ पे इतने शानदार लग रहे हैं यार, आप लोग मतलब आप लोग भी आना यहाँ पे, हमें भी मारवाड़ी है और डायरेक्टर भी राजपूत है। बताओ और क्या चीज है, इतना परफेक्ट मिक्स मिला। मेरा इशारा समझ गए होंगे, प्रोड्यूसर मारवाड़ी है तो पेमेंट की हालत समझ गए होंगे। लेकिन कुल मिला के फिल्म करते हुए बहुत मजा आया, बहुत प्यार से हम सब ने ये फिल्म की। इसमें कोई भी चीज की अतिशोक्ति नहीं है, कॉमेडी कोई जबरदस्ती करने कोशिश नहीं की, कोई भी मैसेज जबरदस्ती। मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं राजस्थान के बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, जो कि अजमेर सिटी के अंदर है, सॉरी। और मैंने इस फिल्म में बहुत ही ईमानदारी से मेहनत किया है, जिसका पूरा श्रेय जाता है हमारे सर सुनील जी को, और सुनील जी को भी, इन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया है। He's a great man, sir. तो आपका एक्सपीरियंस, जैसा कि आपने बताया कि आप छोटे से जगह से आए, आप अभी पलते पे आने वाले हैं, बड़े पलते पे आने वाले हैं, ये कोई छोटी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मेहनत लगती है इस लेवल पे पहुंचने के लिए। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप क्या बोलना चाहते हो जो अगले इंसान यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम भी कहीं ना कहीं सोचते हैं हमें भी जाना है वहाँ पे, तो आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं हमें? जी, मेरा तो मतलब एक ही सपना था, जो मैं किसी भी तरह मुंबई में आऊँ और पर्दे पर दिखूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक डायरेक्टर से मिलूंगा। मैंने लगभग 3 साल स्ट्रगल किए, और स्ट्रगल के दौरान मैंने एक्टिंग, डांसिंग, फाइटिंग वगैरह सीखा, प्लस ऑडिशन दिए। तो उसमें मुझे ऑडिशन के दौरान शैलेंद्र सिंह राजपूत जी से मुलाकात हुई, जिन्होंने मुझे टॉप 10 में सेलेक्ट किया। तो वो एंजल बन के आए आपकी लाइफ में। जी जरूर, इनके बिना तो मैं कुछ हूँ भी नहीं। सही बात है, शुरुआत हो चुकी है सर आपकी। जी जी, इनकी मुलाकात हुई मुझसे, और टॉप 10 में सिलेक्ट होने के बाद मुझे इन्होंने 3 महीने का समय दिया खुद को साबित करने का। इन्होंने जैसे जैसे मुझे टिप्स दिए, उसको फॉलो करता रहा, सारे काम भूलकर सिर्फ 3 महीने ओनली फॉर फिल्म के लिए फोकस किया, जो मैं किसी भी तरह इस फिल्म के लिए मेन लीड में एक्टर हो जाऊं। ओह माय गॉड, सो अमंग दोस टॉप 10, उनको पता था कि आपने उनकी सारी चीजें फॉलो की है एंड हेंस यू वर सिलेक्टेड, या आपने दोबारा से ऑडिशन दिया फिर उस रोल के लिए? ऑडिशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे वाह, जो मैंने परफॉर्म ही ऐसा किया इनके सामने आके, सीधा डन। ओह, एक बार जोरदार तालियां हो जाए रोहित जी के लिए। थैंक यू। आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ आए हुए हैं यहाँ पे? हाँ, फैमिली मेंबर तो फिलहाल जो मेरे दोस्त वगैरह है। जैसे कि एक्टर के लिए हर फिल्म बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये फिल्म मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शैलेंद्र सिंह राजपूत साहब ने फिल्म लिखी थी सत्ते पे सत्ता, जो काफी पिछले साल रिलीज हुई थी। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही कमाल के ये डायरेक्टर हैं, तो इन्होंने मुझसे सत्ते पे सत्ता में थोड़ा सा कमाल करवाया था। ये फिल्म में भी इन्होंने मुझे एक बहुत खूबसूरत भूमिका निभाने को दी। ट्रेलर लॉन्च हुआ है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं भी इस फिल्म का एक छोटा सा पार्ट हूँ एज एन एक्टर, और मुझे पूरे टीम के साथ काम करके बहुत बड़ा मजा आया, बहुत आनंद आया, बहुत सीखने मिला, क्योंकि इसमें हमारे लाडले राजपाल यादव साहब हैं, हमारे लाडले गोविंद नामदेव जी हैं, हमारे लाडले मनोज जोशी जी है, हमारे और कौन है, कमाल खान है, और उस्ताद खान साहब है, मतलब तमाम विजु फटे जी है। कुल मिलाकर इसमें जो इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट कॉमेडी और जबरदस्त कलाकार सब शामिल है, और इसके ऊपर एक चीज़ और अच्छी हुई तड़का, कि डायरेक्टर
सुरेंद्र सिंह राजपूत ने गांव के उन मुद्दों को इसमें उजागर किया है जो आज वर्तमान की जरूरत है, जिसमें गांव के लिए आज सरकार का भी नारा है और हम सब का भी नारा है कि गांव जो है आदर्श गांव बनना चाहिए। तो मैं आदर्श नगर में रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि गाँव भी आदर्श नगर बने। मैं एक संचालक की भूमिका कर रहा हूँ जहाँ दो पार्टियों के बीच में मैं उनका एक खास क्या कहते हैं मीडिएटर बनाऊँ, जिसमें मैं मनोज जोशी और गोविंद नामदेव दोनों की आपस में दुश्मनी है गांव में, दोनों अपने अपने गांव में सरपंच और जमींदार है और मैं उनके बीच में उनको भड़काते रहता हूँ। तो ये मुझे कॉमेडी कैरेक्टर मेरा मजा आएगा। मुझे इतना मजा है उनके साथ में काम करने में, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ और यही तिगड़ी इवन राजपाल यादव और सबके साथ में आपको फिल्म में जब देखने मिलेगा तो आपको लगेगा ये हम कलाकार को नहीं देख रहे, कैरेक्टर्स को देख रहे हैं, एक गांव को देख रहे हैं। या मैं इतना ही कहूँगा कि जो फिल्म का टाइटल है टाइट आई फिश अपने आप में बहुत ही अनोखा और कॉमेडियन टाइटल है और इसमें हमारे फिल्म जगत के काफ़ी दिग्गज लोगों ने काम किया है, जिनमें से कमाल साहब और सुनील पाल साहब तो हैं ही मेरे साथ और मेरे को बोलते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे महाराष्ट्र के लाडले राणे साहब अभिजीत जी मेरे साथ हैं। और बस सारी टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, ट्रेलर बहुत ही प्यारा बना है तो फिल्म भी बहुत प्यारी है और मैं हर हिंदुस्तान वासियों से कहूँगा कि एक बार ज़रूर देखें अपनी ज़िंदगी के लिए टाई टाई फिश। की टाइटल फिश ये जो टाइटल है वो बहुत खूबसूरत टाइटल है और मुझे लगता है कमाल खान, राजपाल जी, सब सुनील पाल जी बहुत अच्छे टैलेंटेड कलाकार हैं, अच्छा कॉमेडी हमेशा वो करते आए, लोगों का दिल बहलाते आए, मुझे लगता है कि अच्छी फिल्म वो लोगों को देंगे। दिलीप सेन जी ने आशीर्वाद दिया है, बहुत से आज ये प्रोग्राम में बहुत से बड़े बड़े दिग्गज लोग फिल्म इंडस्ट्री से आए, मैं भी उनको बेस्ट विशेष देता हूँ। और आज के खास इस मुबारक मौके पे हम सबकी तरफ से शाहरुख खान को हैप्पी बर्थडे टू यू, शाहरुख खान साहब आप जी हजारों साहब ये तहजे से दुआ दे रहे हैं। सुनील निश्चित तौर पर एक अच्छे कॉज को लेके फिल्म बनाए, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए और निश्चित तौर पर फिल्म के डायरेक्टर और जो ये डायरेक्टर है शैलेंद्र सिंह राजपूत साहब, इन्होंने जो फिल्म बनाई थी सत्य पे सत्ता एक बहुत ही खूबसूरत कॉमेडी फिल्म थी जो इन्होंने पिछले साल रिलीज़ की थी, वो इन्होंने लिखी थी, उसमें मैंने मुख्य अभिनय किया था। इस फिल्म में मैं एक कॉमेडी कर रहा हूँ, कॉमेडी का तड़का राजपाल यादव साहब के साथ। राजपाल यादव एक बहुत ही अद्भुत अभिनेता हैं और ऐसे ऐसे बड़े अभिनेताओं के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। राजपाल यादव जी के साथ मेरी ये 5वीं फिल्म है, इंशाल्लाह वन बाय वन आपको सारी पिक्चरें मेरी देखने को मिलेंगी। तो मैं सारी टीम का आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इसी तरह से फिल्में आती रहें और सिनेमा के क्षेत्र में मैं काम करता रहूँ, आप सबका प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। Okay, so my experience was amazing because it's my first movie as the main lead. Before that, I've done only serial on Colors Marathi, Chahul as a lead as well, but it was completely different one. Here, it's a big project, it's a big concept, it's a big people who are working with me, which you exactly mentioned, and it was great to see such experience and to see people who worked in this industry for ages, and all of them were helping me with the script, with the mimics, with emotions, everything. So I got complete experience and I'm ready for any project right now because it was really great. This was amazing. I'm playing the main lead. Her name is Emily. She came from England with her brother and we are trying to make like a social program, social work about the rubbish, which is like a lot in India. So we want to help villages to make them clean. And so we came there to make this documentary project and I fell in love with Rohit in there. Yes. Beside each other, shoulder to shoulder. So it's exactly the family. बहुत ही मनोरंजक किया है।
हमारा करेक्टर तो कुछ था ही नहीं, उन्हें जिस तरह से हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित किया हमने उसको करके दिखाया और बहुत ही बेहतरीन अनुभव उनके साथ काम करके मिला हमें। मेरा इस फिल्म में किरदार शिवम का है, मनोज जोशी के बेटे का किरदार निभा रहा हूँ मैं, जो उनके सपने को साकार करने के लिए फॉरेन से अपने दोस्त हैरी और एमली को इंडिया बुलाता है और क्या क्या प्लान करते हैं इसको देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी।